ओ गाइस, ये देखे हमने फिर से यहाँ से सारा धोया है ब्रश के साथ। सीढ़ियाँ साफ ही हैं ब्रश के साथ, ऊपर से धोते आए धोते आए धोते धोते हम लोग नीचे तक गए और सारा हम लोगों ने वॉश किया है। तो खुद हम लोग इतना थक गए हैं, इतना थक गए, इतनी स्ट्रगल की है, इतनी स्ट्रगल की है, इतना थकावट हो गई है कि आपको क्या ही बताएं। अब मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर बाद कुछ न्यू अपडेट के साथ। हमारी जो पेड़ी थी फ्रिज की चौंकी वो भी टूट गई थी, वो भी लेने जाना है और कुछ सामान लेने जाना है। घर की जो थोड़ी बहुत चीज़ें टूट गई हैं, एसी कवर, घर की कोई टूटी फूटी चीज़ें लेने जानी है जो इस काम के दौरान टूट गई। जैसे कि आपको पता है फ्रिज की जो चौंकी थी वो टूट गई थी, वो लेने जाना है। अब सफाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं तो अब हम लोग वो ग्रोसरी की तरफ जाते हैं जो कि हमें घर में ज़रूरत का सामान चाहिए जो कि टूट गया था। अस्सलामुअलैकुम मेरी तरफ से, कैसे हैं आप सब? अस्सलामुअलैकुम मेरी तरफ से, कैसे हैं आप सब? तो गाइज़ अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। जैसे कि आपको पता था फ्रिज टूट गई थी उसकी, सॉरी अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, फ्रिज की चौंकी जो पीढ़ी होती है वो टूट गई थी, वो लेने के लिए हम दोनों जा रही हैं। इस टाइम दोनों भाई हमारे मौजूद हैं, वो हमारे हेल्प करेंगे फ्रिज को ऊपर रखने में चौंकी के ऊपर। तो इसलिए अब हम लोग दोनों सिस्टर जा रही हैं। और अमारा का मैं आपको दिखाती हूँ लुक, देखे अमारा का बुरखा धोने वाला पड़ा हुआ है। जैसे कि आपको पता है हमारे घर में जो निज़ाम चल रहा था कपड़े तो धो नहीं सकते थे, तो अमारा ने अपना एक पुराना बुरखा निकाल के पहना है और देखें वो क्या कर रही है। तो इसके वट ऐसे नहीं निकलने, ये रेशमी चीज है, वो तो बंदा लोन के कपड़ों पे ऐसे कर लेता है, पागल तो नहीं होगा? इस मारी खाला ऐसे करती होती थी, तो ये पागल बुरखे को कर रही है? रेशमी चीज नहीं होती, ऐसे लोन के सूट होते हैं ऐसे। मेरी दादा ने भी जो मंगन जाना दस ना तो भी इंच काट लेंगे किसी। दिखाओ मैं करूं पीछे से, पीछे मुकार ऐसे तेज तेज फिर करते हैं इस तरह, फिर वो वट निकलते हैं। दिखाओ दिखाओ, लोग कहेंगे इसने गीला बुरखा पहना हुआ। चलो वैसे ठीक हो गया है काफी हद तक ना। चल मेरा ब्लैक वाला पहन लो, मैं तुम्हें कह तो रही हूँ। फाइनली हमारा ने बुरखा चेंज कर लिया क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था, और इसने शुक्र है मेरी बात को माना है, वो वाकई में अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखे अच्छा लग रहा है, वो नहीं अच्छा लग रहा था, इतने गंदा लग रहा था। उसको इस्त्री करो पहले फिर पहन। नहीं तो गाइस हमें यहाँ पे भी एक आपी मिली है, तो उन्होंने हमें मिठाई दे दी है, घर बनने की खुशी में मिठाई मिली हम लोगों को। उन्होंने कहा खाओ पुत्र खाओ, और हम लोग मिठाई के इतने वो शौकीन है ना, हमने तो रास्ते में खोल भी लाया, खुआ भी दे। पकड़ में चाबी नहीं। थैंक यू आपी फॉर स्वीट।
देखो इधर करनी और टिकटॉक बना ले भाई क्या हो गया आपको जाने थे क्या हो गया 900 रुपया सही है 900 रुपया मेरा भाई कह रहा था 800 रुपए की आएगी चले दे दे 950 की दे दे भाई ने कहा ना ने ले के जानी मानते ही नहीं पे थोड़ा जन ने मान मैंने जिद लगाई है आपने मेरे साथ बस ठीक है कोई बात नहीं हाँ जी दसो कितने जाने भूख लग रही थी तो ये तो हमें मिल गई लेकिन हमें लग रही है भूख तो हम लोगों ने यहाँ पे सुना है कि बकास बकास हाँ बिरयानी वाले तो हम लोग ना वहाँ से बिरयानी खाने जा रहे हैं और देखते हैं कि उनका टेस्ट कैसा होता है आज आपको हम लाइव जो है ना वो रिव्यू देंगे खाने का फिर देखते हैं कि मतलब हमें अच्छी लगती है कि नहीं लगती जाते हैं वहाँ पे आपको दिखाते हैं उनकी एम्बियंस भी दिखाते हैं उनका सेटअप ये वो बैठना उठना तो उनकी बिरयानी क्वालिटी भी दिखाते हैं कितने लेवल तक है तो ये हम लोग माल रोड पे खड़े हैं यहाँ पे हाल रोड बाय रोड मोबाइलों वाली मार्केट जहाँ से आप मोबाइल परचेज कर सकते हैं लेकिन यहाँ से अगर आप आईफोन परचेज करेंगे तो आपके साथ धोखा होगा तो आईफोन जो है आप ई सेंटर से जा कर लीजिएगा या अपने किसी जानने वाले अच्छे इंसान से मंगवाइएगा देखते ही देखते हम आ गए हैं चमन पे लेकिन चमन की आइसक्रीम अब चमन वाली नहीं रही अब वो समन वाली बन गई है अब वो बर्फ वाली बन गई है सॉरी हाँ तो हमने सोचा चले चलते हैं बाहर आज अपने व्यूअर्स के साथ इतना क्लोज मुंह तो मैंने मोबाइल किया मैंने अपनी मोबाइल मुंह के पास किया है जिस वजह से आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ी ऊंची ऊंची गाने गा रही हूँ लेकिन नहीं माइक के पास बिल्कुल मेरा बूथा है ओ वाओ लाइट मार्केट गाइस हमारा रजा भाई भी एक मर्तबा यहाँ पे आया था लोकेशन दे लो तुसी सारे जाने वैसे दसन की जरूरत नहीं है सबनों पता ही होना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ना टिकटॉकर्स ने इसका रिव्यू दे दिया वह हम लोग तो बहुत देर से आए हैं वो भी यहाँ पे आए हुए थे तो सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं चेक करें हमारी
और काम चेक करे हमारे, थकावट तो हमारा है बुरा हाल, लेकिन हम नहीं आने वाले हैं बाज। हाँ, सामने सामने लिखा हुआ है एक रायता एक दफा फ्री है। अच्छा, इसके बाद चार्जेस होंगे 50 रुपए। अच्छा, तो तुमने ना रायता थोड़ा खाना है ताकि मेरे 50 रुपए बच जाए। बेटे तो बदतमीजी है, मेरे लिए तो 50 रुपए नहीं पड़ते। नहीं, तेरे लिए तो 50 रुपए भी नहीं है। मैंने वैसे भी रायता जरा 300 रुपए मेरे पर्स में पाया सी, वो काट दिया। चेक तो तुम कर लीजिए, ठीक है, उन्होंने ट्राई कर दस कैसी है। तू मेरे अगे हाथ ना हूं करी गए थे जहाँ वकास बिरयानी पे, वहां से हम लोग अपने बाबा के लिए भी लेके आए हैं बिरयानी। तो अमरीना जाके ना बाबा को दे आओगी, जरा मेरी तबीयत नहीं ठीक है यार, मुझे ही कहती रहती है यार, तुम समझो हम ना गर्ल्स प्रॉब्लम। अच्छा दे आती हूँ। जैसे कि आपको पता है मारा ने मुझे ऑर्डर लगाया है बाबा को खाना देख के आने का, तो साथ में मैंने बाबा के लिए एक रख दिया है स्वीट का पीस जो कि आप ही ने हमें दिया है। जैसे कि आपको रक्षे में हमारा ने बताया कि ये काफ़ी हमें बाहर मिली है, वो हमारी तरफ ही आ रही थी, तो इस वजह से फिर हम लोगों के घर पे तो काम वगैरह चल रहा है कंस्ट्रक्शन का आपको पता है, तो फिर वो घर पे नहीं आ सकी। और देखे हमारी सीढ़ियों में भी पूरा पेंट हुआ है, देखे पूरी सीढ़ियों में पेंट हुआ है, देखे हमारा घर साफ हो गया। हाय हाय, क्या हाल है? हाँ मैं ठीक, आप सुनाओ। बस दुआ, हेलो कर दो। क्या है सर? हेलो, क्या कर क्या सर कर रहे हैं? हाँ मैं मेरे साहब से मैं सर कुछ ऐसे ले पटे। चलो पंखा लगा दूँ? नहीं। चलो फिर खाना खा लो, ये काफी आई हुई थी, वो मिठाई लाई थी, तो ये वो है। देखे हमारी सीढ़ियाँ कितनी प्यारी, सुबह मैंने और हमारा ने ब्रश लगा लगा के धोया, जो छिट्टे उड़ जाती है ना इसे कली करते करते, वो हमने सारी ब्रश मार मार के धोई है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ रह गई है। चलो आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा, लेकिन देखे कितना प्यारा हो गया। हम लोग दरअसल ना ये देखे दरअसल हम लोग ना ये लेने गए थे वहां पे, हमारी फ्रिज की चौंकी टूट गई थी, आपने देखा होगा व्लॉग में, हम वो लेने गए थे फ्रिज की चौंकी, ये जो इसके नीचे रखनी है, तो हमने सोचा चलो वहां पे जो बिरयानी मिलती है वो भी ले लेते हैं। अब बाबा ने चम्मच मांगा है तो मैं वो दे कर आती हूँ, चम्मच ऊपर। चलो गाइस मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस देखना इन्होंने क्या करवा लिया, ये क्या है, इन्होंने ग्रीन कलर पता नहीं यहाँ पे क्यों करवा लिया, इतना अजीब लग रहा है ये। हाय लो, ये क्या है हमारा, और ये दरवाजा चेक करें। हाँ यही तो मैं कही आ रही, तुमने देखा था कल इसको? नहीं मैंने कल नहीं देखा।
ये सही नहीं लग रहा। मैं तुम्हें कह रही थी कि हम भी कोई कलर, ये प्यारा लग ये मैं तुम्हें कह रही हूँ, इतनी शाइन मार रहा तुमने, शाइनर लगाया है, मैं भी लुवाना है। बुआ सही है यार, देख तो सही कैसे शाइन कर रहा है। उसने ना शाइन चमकीला उसके ऊपर छिनका है, छुट्टे लगाए हैं चमकीले के, प्यारा लग रहा है। देखिए कुंडी चेक करी, गिल्ला आई है ना, थरा ला के ते ऐ तो ऐ की किता है ना, कल ऊन को कही मलंगा 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 नहीं, वैसे अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, टाइल्स लग रही है, लगा रहने दो, अच्छा है। हमारा घर नया नया लगेगा व्लॉग में, टाइल्स लग रही है, अच्छा लगेगा व्लॉग में। इसके पीछे तुम्हारी वीडियो बनाओ, साल वेलकम कार्ड, ठहरा कैमरा साफ, चल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अमारा विद लाइफ। यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे वीडियो कर दे लाइक कमेंट शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस आज का हमारा खूबसूरत दिन स्टार्ट हो गया, आप सबके साथ जहाँ भी रहे खुश रहे, इसी दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। इसने इधर नहीं करवाया, इधर नहीं पेंट हुआ, इधर लग ही नहीं गया, पेंट होया है ना, लेकिन ए दीवार, हाँ ए दीवार पर भी होया हुई, लेकिन हरे नहीं हुआ मेरे ख्याल में। तो गाइस ये देखे हमारा न्यू घर, हमने न्यू होम टूर चिपकाने आई ना, इसलिए आपको देना है होम टूर। जब ये इतना प्यारा लग रहा है देखे तो, सही बंद करो, वाओ देखे क्या लुक आ रहा है, मेरे तो लग गई, गीला है ना, उसको टच कर पागल, खराब ना कर दे उनका। चलो उतरो, कितना साफ सुथरा हो गया है हमारा घर, वाओ ऊपर नीचे से साफ सुथरा घर हमारा, देखा, इसलिए आपको होम टूर देना है। एक ये ले, ये नहीं हुआ पेंट, अभी जो है हम लोग आए हैं किचन के लिए शीट्स लेने, हम ये वाला चूज करेंगे जो भाई ने पकड़ा हुआ है। अपने अपने किचन से पूरा आइए ना, फिर सीना भी विशाल आ गया, सही लगेगा, अच्छा लगेगा। सो गाइस चले आए, अब हम आपको दिखाते हैं अपने रूम की फुल लुक, तो चलते हैं बाहर किचन से स्टार्ट करते हैं। तेरे पीछे आओ कैमरामैन, ओके कम हियर टू कैमरामैन, बनू तेरी माइक, चले स्टार्ट दिखाओ। देखे गाइस पत्ती पहली मार दी, देखे गाइस हम लोगों ने ये शीट अंदर वाली यहाँ पे बिछा ली है, ये अच्छी है। लग रही है, हाँ अच्छी लग रही है, उसमें हमारा आटा आएगा, अभी हमने राशन लेने जाना है, हम लोगों का राशन खत्म हुआ हुआ था, वो भी नहीं हम लेने गए थे कि एक ही दफा लाएंगे, फिर राशन को कहाँ उठा उठा के रखेंगे, बस जितना ये साफ हो सकता था ना ये हो गया, इससे ज्यादा दिखाओ, इससे ज्यादा ये घर साफ नहीं हो सकता। ये देखे ये किचन की एक दफा फाइनल लुक आप देख ले, आपकी बहन ने छोटा सा किचन बनाया, ज्यादा कोई सजावट नहीं की, और इधर आए ये है आप। तो ये आपकी बहन ने छोटा सा बाथरूम बनाया, इसमें ज्यादा कोई सजावट वगैरह नहीं की, तो आए आपको दिखाते हैं आपकी बहन का वॉशरूम। ये
इसमें ज्यादा कोई टी टपक नहीं की, ज्यादातर हम लोगों ने कोई रंग गलियां नहीं की, सिंपल सा एक छोटा सा वॉशरूम बनाया गया। जरा पीछे हो ना, खुद बाहर आ जाओ। ये रहा वॉशरूम छोटा सा, यहाँ से स्मेल वगैरह बाहर चल जाएगी। और ये रहा छोटा सा वॉशरूम, और फिर यहाँ से इसका दरवाजा हम लोग कर देते हैं बंद। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं रूम। हाँ ये देखा, ये हमारा रूम हम बाजार से लाए थे, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ वाला उठा के इधर लगा दिया, और इधर इधर के लिए हम नया ले आए थे। चादर लानी है एक बेड की, वो एक ही लाए थे हम लोग पिछली बार, एक ही चादर है हमारे पास, एक ही चादर। अब इसको धोना है, उठाना है, तो फिर क्या बिछाएंगे, इसलिए एक चादर और लानी पड़ेगी जो कि इसकी जगह बिछेगी। और फिर हम इसके साथ जो है ना, वो इसको धो के सुखा लेंगे, फिर वो गंदी होगी तो ये बिछा लेंगे। ए पागल, चक्कर आ जाएंगे दादो स्कीना, पागल हो जाती है दादो स्कीना। कैमरा खोल दे भैया, थले बंद करता मैं कैमरा, फिर बंद हुई है, फिर स्टॉप हुई है, अब चक्करों से गिर रही है, पागल है ये। तो गाइस ये देखें, ये हमारा रूम साफ हो चुका है बिल्कुल, जिस हद तक ये साफ हम कर सकते थे उस हद तक हमने इसको साफ कर लिया है। प्लीज अब आप हमें सफाई का कमेंट मत कीजिएगा, इससे ज्यादा ये साफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये अब आप हमें कमेंट करें। चलो हमारा महीना तुम लोग कहीं आउटिंग करके आओ, हम तुम्हें देखना चाहते हैं। क्या कमेंट करें आप हमें, अपने सफाई का कमेंट नहीं करना, आप अपने सफाई का कमेंट नहीं करना, आप अपने कमेंट करना कि हमारा महीना जाओ तुम दोनों कहीं पे घूम क्या, हम जाओ तुम्हें आउटिंग देखना चाहते हैं, तुम लोग कैसे रेडी होकर जाती है, हम ये देखना चाहते हैं। और हम इतने खुश होंगे अगर हम गए ना कहीं आउटिंग पे, क्योंकि हमारा हम इतने थक गए हमारे बाजुओं में खलियां पड़ गई है, खलियां, क्योंकि हमने सीढ़ियाँ धोई, हमने कमरा धोया, हम लोगों ने इसको बिछाया, जो हमने बाहर बिछाया है ना उस पर तो हमारी बड़ी जान लगी है। तो देखें, जो अब घबरा रही थी रूम देख के, अब देखिए अब आपको रिलैक्स फील हो रहा है, हमारी जगह साफ देखे तो अब आप रिलैक्स हैं, आपको भी अच्छा लग रहा होगा जाहिर है। हम लोग भी घबरा गए हुए थे गंद से, आप लोग भी घबरा गए हुए थे, और अब देखे सही है, बस थोड़ा अभी दरवाजों पर पेंट होना है, बस थोड़ा बहुत है, और अच्छा हो जाएगा ये क्लीन। नीचे वालों की कलियां उड़ रही हैं अभी तो, वो तुमने उनका मुझे नहीं दी दवाई, मेरे सर में दर्द हो रही है। चलो हाय अल्लाह, इस बंदे का कमेंट आया है, नासा वाली सरकार जिंदाबाद। अस्सलाम, फिर तुसी कहंदे हो कि मैं नासा फुलानी है, अमाड़ा नासे मत फुलाया करो, अमाड़ा नासे व्लॉग में जहर लगती है, मत किया करो, लेकिन इनको आप बाज नहीं कराते। ये लोग किस तरह के कमेंट करते हैं, वो सुनती है ना तो वो फिर उभर पड़ती हैं। क्या करूं मैं उनका, अब वो फूल पड़ी है, उन्होंने सुना कि हमारा नाम लिया, जैसे दादो लूसो का नाम लो तो वो उभर पड़ती है, अब वो भी उभर पड़ी है, किसने हमारे नासों का नाम लिया, मैं क्या करूँ इस बंदी का। ना कवो बाजी मेरी भैन दिया, ना सा सोनिया है, मैं आप किन्नी सोनी है ले। गाइस देखो, फिर आप उसको नासों वाली कहोगे तो वो अगली तो पड़केगी, फिर ना कहे ना फिर आप। बताया भी है खानदानी नासे हैं, फिर भी मसले हैं। साडा खानदानी नाक है गाइस, साडी पुप्पो लूसो, आकड़ वाला चाचा ते दद पकौड़े ने सारे, हमारा तो दादो की जवानी है पूरी पूरी, ते मैं अपनी पप्पी की जवानी दादो ना मिलाई, तो वो तेरी तेरी जवानी है, वो वाकई तो ओरी जवानी है, मंगड़ी है ही है पूरी। थरा निकल गया, मैंने कह रहा ना ना मिला, मेरा रूम का देख कि खड़ा होया, हाय मेरा थरा निकल गया यार, अल्लाह मैं की खलाड़ा पड़ा हुआ था।
तो मेरे मामू ने मुझे गोश्त ला के दे इसको दिया। शुरू से आदत है गाइस बोटियां खाने की, पतीली में से निकाल के। अम्मी से इतनी मार खाती होती थी इस बात पे, इतनी इसकी अम्मी इसको कुट छटती थी ना, तो ये सारी हांडियां से हांडी से ना सारी बोटियां खा जाती थी। और जो हम तीन बहन भाई थे ना, मैं फहद हमाद बाबा अम्मी, उनके लिए ये बोटियां नहीं छोड़ती थी तो ये खा जाती थी। इसलिए तो इतना बड़ा दुशा है, और पीछे भी इतनी मोटी इसकी फोटो नहीं आपको दिखाई हुई। नहीं नहीं मैं साड़ी थोड़ी खाती थी कि इनके लिए ना बचे, ऐसे एक आधी खा लेती थी पकाते पकाते, आदत है। इतना खराड़ा पड़ा हुआ था घर पे तो मामू ने कहा मुझे ये गोश्त पका के दो। आपने देखा किस आलम में मैंने वो गोश्त पकाया, इतना खराड़ा पड़ा हुआ था। और फिर मैं एक बोटी भी ना खाती, मेरा इतना तो हक था ना, फिर इतना तो बनता है। उना वालों तू साड़ियाँ खा, उन्होंने की मछली। एक कमेंट था कि मिनाहिल मलिक ने तुमसे ज्यादा पैसे कमाए हैं, तो वो कमा सकती है गाइस, वो प्रो मैक्स व्लॉगर है, प्रो मैक्स टिकटॉकर है, वो तो बहुत बड़ी एक्टर एक्टिंग क्वीन है, हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, और हम लोग क्या ही बनेंगे उसके जैसा, हम ना ही बने। तौबा तौबा तौबा, हम तक उसकी वीडियो आई गाइस, आप लोगों तक गई है। वो ना ये कह रही थी कि मिनाहिल की वीडियो इसने देखी है, तो इसलिए फिर इसने मुझे भी दिखाई दी, तो मेरा दिल खराब हो रहा था, तो मैंने इसलिए आया किया था। मेरी सहेली ने मुझे सेंड की थी, दोस्त है मेरी लड़की, उसने की थी। एक कमेंट ये था कि हिना बाय मर्जिया ने ये कमेंट किया हुआ था, मर्जिया ने शायद, हाँ वो कह रही है कि आप लोगों को अल्लाह एनर्जी दे, अब मुझे अब पता चला कि आप लोग मोटी क्यों हैं, आप लोग टेंशन और स्ट्रेस लेने से मोटी हैं, क्योंकि ये एक होता है बंदा जिसमें सूख जाता है, और एक होता है जिसमें बंदा फूल जाता है, हम लोग वो हैं। हाँ ये आप सही कह रही हैं, हम लोगों को बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है इस वजह से, और ऊपर से घर भी तो छोटा सा है। ये वीडियो में बड़ा नज़र आ रहा है, दो कदम चलेंगी तो ये कमरा ख़त्म हो जाएगा, दो से तीन कदम का ये कमरा है। तो आप सही कह रही हैं, ऐसे ही है, इंसान को टेंशन ही होती हैं वो भुला देती हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने हमें ये हाल देख के ना, मतलब घर का, तो बहुत सारे लोग फिक्रमंद हो रहे थे, हमारे लिए दुआएं कर रहे थे, इनको अच्छा घर दे, इनकी आसानियाँ करे, इनकी मुश्किलें ख़त्म करे, किस अजाब में ये फंस गई हैं। ऐसे ही है, हम भी यही सोच रहे हैं, ऐसे ही हमें भी फील हो रहा है। ऊपर से हमें भी उस खुड़े की आदत भी नहीं पड़ रही, वो जो खुड़ा बन गया ना, वो उसकी आदत भी नहीं पड़ रही हम लोगों को, ये मुश्किल हम लोगों को वखड़ी पड़ी। तो जिन जिन लोगों ने हमारे लिए दुआएं की थी बहुत प्यारी प्यारी, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक तरफ से भी थैंक यू, अल्लाह पाक आपकी सारी दुआएं कबूल करे, जो आप अपने लिए करते हैं, जो आप हमारे लिए करते हैं, वो सारी दुआएं अल्लाह कबूल करे। बाकी इस व्लॉग का हम यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं अगले न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।